नोएडा में आज सुबह एक निजी स्कूल की बस ने नियंत्रण खोकर डिवाइडर पर वह चढ़ गई, जिससे एलिवेटेड रोड पर कई किलोमीटर लंबा भयंकर जाम लग गया। घटना के बाद बस चालक ने तत्परता दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि बस में स्कूली बच्चे नहीं थे। यह हादसा सेक्टर 62 से सेक्टर 18 की ओर जा रही बस के दौरान हुआ है। बस डिवाइडर से टकराकर रुक गई, जिससे सेक्टर 61 से सेक्टर 18 तक लंबा जाम लग गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। यह घटना सेक्टर 20 थाना क्षेत्र की है, जहां यातायात व्यवस्था बहाल करने के प्रयास जारी हैं। इस हादसे से बड़ा नुकसान तो टल गया है, लेकिन लंबा जाम होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है और स्थिति सामान्य करने के लिए प्रयासरत है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।